कन्नौज हसरेन ब्लॉक लाख के जमुनियापुर ग्राम में अवंती बाई के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक प्रदीप लोधी ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 16 अगस्त को आयोजित किया जाता है। आज के दिन अमर शहीद वीरांगना अवंती बाई जी का जन्म हुआ था। इसी बीच संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि आज के हमारे कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन में मिष्ठान वितरण कर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का समापन किया। सभी आगंतुकों ने वीरांगना अवंती बाई के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वेदी नारे लगाए। मुख्य अतिथि ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के सभी जाति के व्यक्ति आपस में भाई भाई हैं। इनको तोड़ने का काम राजनीतिक पार्टियां एवं कुछ विशेष वर्ग के लोग कर रहे हैं, जिनकी यह मंशा पूरी नहीं होगी। जिला उपाध्यक्ष श्याम राजपूत ने बताया कि पिछड़े समाज के लिए सबसे घातक चीज नशा है, जो लोधी समाज और अन्य पिछड़े समाज को पीछे करने का काम कर रहा है। साथ ही मुख्य अतिथि ने बताया कि अवंती बाई जैसी वीरांगनाएं अपने समाज में तभी उभर कर सामने आएंगी जब हम इनको अच्छे संस्कार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। पिछड़े वर्ग एवं लोधी समाज के लिए सबसे पहला कदम होगा कि हम अपने बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करें, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने बाबू कल्याण सिंह जी की बात को दोहराया कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। अगर पिछड़े वर्ग के कुछ अधिकार बाकी है तो हमें मांगने से नहीं छीनने से मिलेंगे। यहां तक कि अभी तक वीरांगना अवंती बाई का नाम इतिहास के पन्नों में जहां होना चाहिए वहां नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपको? दीपमाल लोधी राजपूत जी। आज का क्या कार्यक्रम था? रानी अवंती बाई लोधी का जन्मदिन था जी। जी, तो कितनी संख्या रही होगी आज का कार्यक्रम? लगभग 500 के लगभग आए हैं हम लोग। पूरा गांव, दो गांव इकट्ठे हुए थे, नयापुर और जमुनियापुर। अच्छा अच्छा, तो इसमें और क्या क्या व्यवस्थाएं की आपने? हमने इसमें मिष्ठान वितरण किया, DJ लगवाया, सब मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाया उनका जन्मदिन। अच्छा, नेता लोग भी शामिल रहे होंगे? हाँ, इसमें नेता भी आए थे एक दो लोग। तो क्या केवल तुम्हारे ये लोधी समाज का ही कार्यक्रम था या अन्य जातियों के भी लोग? अन्य जातियों के लोग भी आए थे, जैसे निकलेश बाथम जी आए थे, मास्टर साहब हमारे एक साथ जी है वो भी आए थे, हम लोगों ने उनको भी, और यादव जी, वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी थी, लेकिन जब मरने के बाद में इन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश के लिए दिया, इसलिए ये तो सर्व जाति ये इन्होंने भारत आज़ाद 1857 में इन्होंने कराया है उसमें। क्या ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है या फिर? हाँ, एक आध वर्ष हल्का कर लेते हैं, एक आध वर्ष सही धूमधाम से मनाते हैं। अगली बार भी होगा? अगली बार भी होगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेंजा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।